कैसी बातें कर रही हैं आप जानती हैं कि मैं किसी को जिंदगी दे नहीं सकता सिर्फ उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर सकता हूं दैट्स ऑल मैंने आपसे कहा था ना भाईजान ये लड़की गाजियान के लिए आजमाइश है बस करो ज़किया प्लीज ये वक्त इन बातों का नहीं है गाजियान ने होश में आते ही उसे बुलाया था सॉरी सर ही इज नो मोर और ये चुकी ये क्या कह रहे हैं क्या जाने क्या क्या बातें दिल में लेकर चला गया जुबारिया वहां क्यों खड़ी हो बच्चे अंदर आ जाओ मामी मैं आपसे पूछने आई थी कि मैं बाबा के साथ चली जाऊं कहां चली जाऊं अभी तो सारे लोग घर में हैं तुम कहीं जाने की बात कर रही हो मैं अब्बास भाई से बात करती हूं तुम कहीं नहीं जाओगी कुलदीप जाने दो इसे हमारा इससे रिश्ता गाजियान के साथ ही खत्म हो गया अब अगर वो यहां नहीं है तो इसका यहां पे क्या काम ज़ियान ने कितना जुल्म किया है मुझ पे इतना साल में वो एक भी वादा पूरा नहीं किया अपना एक भी सबर मेरी जान सबर ज़किया का गुस्सा तो ज़ियान भी सह लेता था उसके सबर को तुम अपनी ताकत बना लो अल्लाह को तुम्हारी यही आजमाइश मंजूर है और मुझे यकीन है तुम इस आजमाइश में पूरी उतरोगी मेरे साथ ही क्यों मामी क्यों पहले माँ को पास बुला लिया मेरी आजमाइश तो तब से शुरू हो गई थी लेकिन दोबारा निम्रा अब हमारा गाजियान हमें कभी नजर नहीं आएगा
वो मैं पहले कब नजर आता था माँ मुझे मुझे फोन करके कहता है जल्दी से आ जाओ एक सरप्राइज है मुझे क्या मालूम था कि ये सरप्राइज है मेरे लिए बहुत तकलीफ सही है उसने आप उसे तकलीफ देने वालों की बारी है मामू नहीं 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 ऐसा नहीं सोचते बच्चे वो तो एक हादसा ही था तो फिर हम उसका जिम्मेदार किसी और को क्यों ठहराएं हम हर हादसे को अल्लाह की मर्जी क्यों समझ लेते हैं लेकिन ह्यूमन नेग्लिजेंस क्यों भूल जाते हैं हम ये हादसा फारा की वजह से हुआ है उसकी ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए मैम कितनी अजीब बात है ना वो हम सबको साथ देखना चाहता था और आज जब वो नहीं है तो हम सब साथ ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी खाजियान अब देख रहे हैं ना सखिया मामी गुल फूफो दोनों अभी एक ही रूम में बैठी हुई हैं हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अजीब है इतने करीब के रिश्तेदार हैं हम उनको ऑन करने से डरते हैं लेकिन वो अलग था ग़ाज़ियान वो ही करता था जो उसका दिल कहता था किसी की परवाह किए बगैर उनके पास काउंटलेस सी रीजंस होती थी अपनी बात मनवाने के लिए अनस तुम यहां हो घर लोगों से भरा हुआ है तुम लोग अगर अपने अपने कोने संभाल कर बैठ जाओगे तो लोग ताजियत किससे करेंगे बाहर चलो और देखना कोई खाना खाए बगैर मत जाए मामा कम से कम आज के दिन तो अपने सो कॉल्ड रिचुअल से बाहर आ जाती जो चीजें गाजियान को नहीं पसंद थी कम से कम उनको तो छोड़ देती क्या हो गया मामा आपको सलाम इद्दत तो तुम पे लाजिम है नहीं क्योंकि तुम्हारा निकाह हुआ है शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी कुछ देर तो तुम्हें शोक मनाना चाहिए अपने शौहर का तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें समझाती लेकिन बहरहाल पढ़ी लिखी लड़की हो ये तो जानती ही होगी कि तुम्हारे सर से शौहर का साया उठ गया है जब शोहर का साहिबान उठ जाता है तो औरत बेवा हो जाती है
Ya Allah, please help me. पता है आपको देख के ये एहसास होता है कि कुछ लोग बने ही मोहब्बत की मिट्टी से होते हैं, उन्हें हर हाल में मोहब्बत करनी होती है, अब चाहे वो प्रैक्टिकल हो या नॉन प्रैक्टिकल, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। जब कोई अच्छा लगे तो कह देना चाहिए। बाय द वे, आपको मेरी तारीफ करने में अब क्या प्रॉब्लम है? ऑफिशियल हस्बैंड हूं मैं आपका, इतने सारे लोगों के सामने निकाह किया है आपसे, फिर भी आप वो क्यों नहीं कहती जो आपकी आंखें कहना चाहती? निकाह हुआ है हमारा सिर्फ, और ऑफिशियल होने में अभी काफी देर है। जो ऑफिशियल होना था वो हो चुका, अब तो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने वाली चीजें रह गई, जैसे कि एक शानदार से होटल में डिनर, डिनर के बाद एक इमोशनल सा रुखसती का इवेंट, और पता है रुखसती के इवेंट में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है? दुल्हन सर से लेकर पांव तक अपने दूल्हे के लिए सजी हुई, और मेरी दुल्हन तो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन है। और आज मैं आपकी बेगम, और मुझ पर आपकी इज्जत भी लाजिम है ग़ाज़ियान, मैं कैसे मामी को समझाऊं कि मुझे बस 4 दिनों का सोग नहीं मनाना, मुझ पर तो सारी उम्र का गम वाजिब। चला गया, पता नहीं कैसे याद भुला मुझे, पर इसकी याद मुझे सोने देती है और नहीं कुछ और सोचने देती। रब की कैसी आजमाइश है, कभी मौका मिला तो रब से पूछूंगा जरूर।
उसके ईसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ लिया करो ज़किया। अब उसे हमसे सिर्फ यही कुछ चाहिए। तुमने तो चंद महीने ही गुजारे उसके साथ, तुम्हें क्या पता दुख की शिद्दत क्या होती। दुख से भी कोई बहुत बड़ा लफ्ज होना चाहिए। खामोश क्यों? ये सवाल खुद से पूछा। ठीक कह रही हो, खुद से पूछो, तुमसे पूछो, एक ही बात है। तुम अब भी ऑनलाइन हो? आज़ियान का मोबाइल किसके पास? मैं इस लड़की से कुछ कहना चाहता हूँ। इस मिलियन डॉलर स्माइल खर्च करती रहती, आपका कुछ नहीं चाहिए, किसी की जिंदगी बन जाएगी। जो भी मुंह में आया आप बोले जाते हैं। आपको मेरी बातों का मजाक उड़ाने की आदत हो गई है। सुबारिया, काश मैं आपके सामने हूँ और आपकी आंखों में देख कर कैसे आप माने ना या माने, आपको मुझसे मोहब्बत होने लगी। मुझे आपसे कभी मोहब्बत नहीं होगी। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे।
जुबारिया। ये क्या है? तबीयत खराब है या खुद को खराब करके आई हो? मुश्किल कर रही हूं मैं आप सबके लिए, तो ठीक है मैं कर देती हूँ आपकी मुश्किल आसान। आप कभी नजर नहीं आऊंगी आप लोगों को। जुबारिया कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है कुछ बताएं तो सही। वारिस तो ठीक है? जुबारिया ठीक नहीं है, वो अस्पताल में। क्या हुआ उसे गुल? क्या बात है, आप कुछ छुपा रही हैं? अकेले खड़े होकर हर वक्त सोचने से सच नहीं छुप जाता जुबारिया। ये जो तुमने कारनामा किया है ना, ये तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। ग़ज़ब खुदा का, इतनी जल्दी थी तुम्हें माँ बनने की तो शादी कर लेती, ये इम्तिहानों का ड्रामा क्यों रचाया था? मेरी शादी हो चुकी है। शादी नहीं हुई, निकाह हुआ था। निकाह के बाद घर नहीं बसाते, रुखसती का इंतजार करते हैं जुबारिया बीबी। भाभी प्लीज मुझे मेरे हार पर छोड़ दें। मैं आपके सामने कितनी दफा हाथ जोड़ू, आप मेरे से इस वक्त प्लीज कोई बात मत करें। कैसे ना करो कोई बात, अगर ये बात कहीं बाहर सबको पता चल गई तो हम सबकी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। मुझे तो पहले ही पता था एक दिन ये सब तमाशा होगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो मैं ही गलत लगती थी। आप अब भी गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाभी प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। और वैसे भी ये कोई तमाशा नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जिंदगी का सच? क्या कहोगी अपने ससुराल वालों को? कौन मानेगा इस सच को? तुम्हारा सच सुनने और मानने वाला चला गया यहाँ से जुबारिया। सालम क्यों है भाभी? मैं जालिम नहीं, हकीकत पसंद हूं। जानती हूं उस दुनिया के चलन को, कोई नहीं मानेगा तुम्हारे सच को। गुनाह कहते हैं इस रिश्ते को दुनिया वाले, किस किस की जबान पकड़ोगी? बस भाभी बस, आपको रे दे मेरा जख्म, लेकिन इतनी बेदर्दी से नहीं। आप मुझे प्लीज अकेला छोड़ दें, मुझे इस वक्त किसी की भी जरूरत नहीं। अरे मेरा बिच्छा, ये क्या हो गया? ये कौन सा जख्म है जो एकदम से रिसने लगा है? अपने बाबा को नहीं बताओगी? हाँ आओ मेरे साथ अंदर चलो। क्या हो गया, क्या हो गया बेटा?
फारा, क्या आज भी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? Please don't do this. I'm really worried about you. देखो, हम गाजियान के जाने को नहीं रोक सके. इसका दुख मैं समझ सकता, लेकिन आप जिंदगी से क्यों दूर जा रही हैं? ये मेरे समझ से बाहर है. मैं मानता हूँ कि आप उसे बहुत पसंद करती थी. He was like the little brother you never had. I completely understand that. But आप इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बाकी सब कुछ भूल जाए. Right? Farah, come on, talk to me. मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन बेहिसी और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क होता है अल्तमाश. आप मेरा दुख नहीं समझ सकते और शायद मैं आपको समझाना भी नहीं चाहती. फारा, यही तो इशू है, मैं आपको दुख बिल्कुल नहीं समझ पा रहा. और किस बात का दुख है आपको? You don't realize कि घर, हॉस्पिटल सब कुछ नजरअंदाज हो रहा है. कैसे कर सकती हैं आप? You have responsibility. Please ऐसा मत करें. मुझे कोई दुख नहीं है, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें. मैं जानती हूँ हॉस्पिटल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं पूरी कोशिश करूँगी अल्तमाश कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपने काम को डिस्टर्ब ना करने दूँ. साहब जी, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, शुक्रिया. कोई दुख नहीं है मुझे, आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करें और मैं पूरी कोशिश करूंगी अल्तमाश कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपने काम को डिस्टर्ब ना करने दूँ. पहली दफा आपके किसी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं. आप मुझे जो मर्जी सजा दे दे, लेकिन इस तरह चुप रह के मुझे मत दे सजा. जान मेरा क्या कसूर है कि मेरी गलती को डिफेंड करने वाला इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप भी इस तरह करेंगे?
बाबा जान, बाबा जान कुछ तो बोले, अब मुझे डांटे, मुझे मारे, मुझे घर से निकाल दे, लेकिन इस तरह चुप रह कर मत दे मुझे सजा। ये मेरे बस में होता तो मैं उसी दिन मर जाती। मुझे माफ कर दे बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दे। जुबारिया, पागल तो नहीं हो गई हो? चलो उठो यहाँ से। एक तो वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से फिर ये हरकतें, हम सबके लिए मुश्किल कर दोगे। चलो अब उठो यहाँ से। मुश्किल? मुश्किल कर रही हूँ मैं आप सबके लिए? तो ठीक है, मैं कर देती हूँ आपकी मुश्किल आसान। आप कभी नजर नहीं आऊंगी आप लोगों को। जुबारिया कहाँ जा रही हो? देखा आपने, हमेशा अपनी मनमानी करती है, कभी किसी की नहीं मानती। अब शाम जाके देखिए उसको, कहीं कुछ कर ना ले अपने आप को। अब करने को रह ही क्या गया है, कोई कसर छोड़ी है उसने? अब पता नहीं अब अल्लाह को क्या आजमाइश मंजूर है हमारे लिए। जिब्राल, जिब्राल। जी जी। जिब्रान जल्दी गाड़ी निकालो, मैं जुबारिया की तरफ जाना है। कब से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ हो तुम? मैंने चावल दम पे रखे, कबीर साहब का खाना तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं। जिब्रान क्या हो गया तुम्हें? मैं कह रही हूँ गाड़ी निकालो, तुम्हें चावलों की पड़ी हुई है, जल्दी चलो मेरे साथ। आ रहा हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? ओ अच्छा, आप आ गए, आप मेरे साथ चलिए। आप कहाँ जा रही हैं, कुछ बताए तो सही। वारिस तो ठीक है? भाईजान ठीक है माशाल्लाह, जुबारिया ठीक नहीं है, वो अस्पताल में। क्या हुआ उसे गुल? क्या बात है, आप कुछ छुपा रही हैं? वो ठीक तो है ना, खैरियत से है ना वो? भाईजान जुबारिया माँ बनने वाली है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो अफशां उसको हॉस्पिटल लेकर गई है। आप मेरे साथ आइए जल्दी। कितना बुरा किया ना गाजियान ने मेरे साथ, पहले मेरी बात नहीं सुनते थे और अब मेरा तमाशा बना दिया। किन किन बातों पर रोया करूंगी मैं? आपने तो कहा था मुझे सब्र आ जाएगा, कैसे आएगा ये सब्र? ये सबर ही का तो इनाम है,
कुदरत अपने अंदाज से मेहरबान होती है, जिसको समझना हमारे बस की बात नहीं। मामी एक ऐसा इनाम है जिसको महसूस करते मेरा दम घुटता है। रब की नाशुक्री नहीं करते जुबारिया, देखो उसने तुम्हें अकेला नहीं किया बल्कि तुम्हें सबर करने का बहाना दिया है। ये गाजियान ही का तो रूप है जो तुम्हारी गोद भर दी। गाजियान नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना है मैंने उनके रूप का। आपको तो मेरी कभी कोई बात ही नहीं बुरी लगी, लेकिन बाबा जान आप जानती हैं बाबा जान कितने नाराज हैं मुझसे। पता नहीं अब वो मुझसे कभी बात भी करेंगे कि नहीं। वो बात भी करेंगे और खुश भी होंगे, तुम देखना। कबीर भाई गए हैं ना उनसे मिलने, मेरी भी उनसे बात हुई थी। कभी कभी अचानक खुशी भी बंदे को परेशान कर देती है। आपने कबीर मामू को क्यों बताया है सब? इतनी खुशी की बात है क्या ना बताती? और अब तुमने रोना नहीं है, अपने आप को संभालो। कोई ऐसा वैसा उल्टा सीधा ख्याल तुम्हारे पास से भी गुजरा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया? नॉट एट ऑल। सलाम गुरबीबी। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त मेरी नादान बेटी को तुम जैसे समझदार डॉक्टर ही की जरूरत थी। मुबारक हो जुबारिया, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हारे डॉक्टर से बात कर रहा था, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी देख ली है मैंने। तुम्हें एक दो दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, डरने की कोई बात नहीं है। ओके, जितना उदास होगी उतना स्ट्रेस तुम पर और बेबी दोनों पर पड़ेगा। इट्स नॉट गुड फॉर यू। तुम इस दुनिया में एक जिंदगी लेकर आ रही हो, तुम्हारे तमाम खानदान के लिए खुशी का बायस है। उदास मत हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। प्लीज चेयर अप। मामी मैं थोड़ा सोना चाह रही हूँ, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। ऑफ कोर्स, ये आपका अपना रूम है, जितना आराम करना चाहती हैं वो आपकी मर्जी। अपना ख्याल कीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज़ बेटा। थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है बेटा, तुम सो रेस्ट करो, मैं यहाँ बाहर ही बैठी हूँ। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि उसने ये हरकत की क्यों है। जिंदगी से प्यारी भी कोई चीज हो सकती है? हाँ, मैं शायद उसको जिंदगी से प्यारा हूँ। के बाद अल्लाह हमें उसकी औलाद दे रहा है, मैं कुफ्रान नेमत नहीं खाऊंगा। मैं वापस चला जाऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। दैट्स दैट। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, डॉक्टर फारा के खिलाफ FIR कटवाऊंगी। हाँ, वो लड़की जरूर माँ बन सकती है, लेकिन गाजियान के बच्चे की हरगिज नहीं। जुबारिया गाजियान के बच्चे की माँ बनने वाली है और गाजियान मर चुका है। अब जाओ। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला।